आज के वीडियो में बात करेंगे वीवो T1 4G जो डिवाइस है इस डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट को ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। अपडेट का न्यू वर्जन क्या देखने को मिलता है, अपडेट के साथ में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, साथ ही साथ आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और फनटच ओएस 13 का जो ऑप्शनल अपडेट यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं वीवो T1 4G डिवाइस के न्यू अपडेट के बारे में बात करें तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहां पर आपको आपके डिवाइस में अपडेट शो होगा। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 12 अपडेट पर रन कर रहा है तो आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा जिसका वर्जन आपको लास्ट में चेक करना है, A_12.0.14.0। मतलब आपको पहले 13 का वर्जन लास्ट में देखने को मिलता था, अब यहाँ पर 14 वर्जन न्यू आया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस अपडेट के साथ के चेंजेस के बारे में, तो आपको नवंबर मंथ का गूगल सिक्योरिटी पेज को प्रोवाइड किया गया है और डिवाइस में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे उन्हें यहाँ पर फिक्स किया गया है। डिवाइस की स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है इस अपडेट के साथ में, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड में भी आपको ऑप्टिमाइज स्टेबिलिटी ऑफ फिंगर आइकन एंड आपको स्क्रीन ऑफ वाले सेक्शन में देखने को मिल रहा था उसे भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया इस न्यू अपडेट के साथ में, तो आपको भी अपने डिवाइस में इस अपडेट को अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यार काफी सारे यूजर्स ने अपने डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का बीटा रूट को इंस्टॉल किया था तो उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर आपके डिवाइस में बीटा रूट शो हो रहा है तो आपको उसे अपडेट नहीं करना है, आपको ऑप्शनल अपडेट का वेट करना है। तो ऑप्शनल अपडेट को कब तक रोल आउट किया जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ दिसंबर का जो है उसके लास्ट वीक से पहले पहले आपको आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और फनटच ओएस 13 का ऑप्शनल अपडेट देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको आपके डिवाइस में ये जो न्यू अपडेट आया है इसे अपडेटेड करके रखना होगा। अगर आपका डिवाइस लेटेस्ट में अपडेट रहेगा तो आपको फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 13 का ऑप्शनल अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यार इस छोटी छोटी यही तक अटिशोल लाइक कर देना, अधिक न्यूज को ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूँ तब तक, बाय बाय, टेक केयर।